एक बार मिंटू अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जा रहा था। माँ, हम कितने दिनों के बाद नानी के पास जा रहे हैं ना? मैं तो खूब मस्ती करने वाली हूँ। तुम मस्ती की सोच रही हो? मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। गाड़ी सुनसान जंगल से होते हुए सरपट जा रही थी। उस रास्ते पर न तो कोई घर था और न ही कोई दुकान। देखो जी, कोई ढाबा हो तो रोक लो, बच्चों को बहुत भूख लगी है और मैं भी साथ में कुछ नहीं लाई। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद एक ढाबा दिखाई देता है और मिंटू गाड़ी रोक लेता है। ये कैसा ढाबा है जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी ढाबे की मालिक टुनटुनी वहाँ ऑर्डर लेने आती है। बोलिए साहब, क्या खाओगे? तुम्हारे मेन्यू में क्या क्या है? हमारे पास सब कुछ है। मटन कोरमा, मटन हांडी, चिकन कोरमा, चिकन हांडी, मटन शोरमा, चिकन शोरमा और भी बहुत कुछ। आप क्या लेंगे? तुम्हारे पास वेज में कुछ नहीं है? एक बार हमारे यहाँ का गोश्त तो खाइए, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ की फेमस डिश हो ले आओ। ठीक है साहब। और टुनटुनी मुस्कुराते हुए चली गई। रानी को ये सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आप लोग बैठो, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। रानी ढाबे के पीछे जाती है और अचानक चीखते हुए वहाँ से भाग आती है। ढाबे के पीछे कई सारे पक्षियों की हड्डियाँ पड़ी थी। क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों भाग आई? रानी मिंटू से सारी बातें बता ही रही थी कि अचानक टुनटुनी वहाँ आती है। वो अब अपने असली रूप में थी, यानी चुड़ैल के रूप में थी। आखिर तुम लोग को पता लग ही गया। साहब, इस ढाबे पर मटन या चिकन का गोश्त नहीं, बल्कि आप जैसे लोगों का गोश्त मिलता है। ये टूनी का भूतिया ढाबा है साहब। चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम तो यहाँ सिर्फ अपना पेट भरने आए थे। मैं भी तो सिर्फ पेट भरने ही आई थी यहाँ। देखो क्या हाल बना दिया है मेरा उसने। तुम्हारी ये हालत किसने और क्यों की?